friends, today we discuss the next topic in dental and cosmetic preparations. हम लोग जो subjects 2 में discuss कर रहे थे हमारा chapter dental and cosmetic preparation, इसमें हमने last जो lecture था lecture number 1 में हमने discuss किया था इसके introduction, classification of cosmetics and उनके subdivisions. अब हम लोग इस lecture में discuss करेंगे first हमारा जो topic है, first हमारा जो उसमें preparation है वो है dentifrices. डेंटिफ्राइसिस क्या है? डेंटिफ्राइसिस का मीनिंग है हमारे लिए जो हमारे प्रेपरेशन हैं मीन टू द अप्लाई टू क्लीन द टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश. कि हम लोग जो क्लीनिंग जो टीथ की सरफेस को क्लीन करने के लिए टीथ को जो हम लोग प्रेपरेशन यूज करते हैं अपने जो टीथ हैं उनको क्लीन करने के लिए उनके जो सरफेस उनको क्लीन करने के लिए जो हम लोग प्रेपरेशन से यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश के साथ वो है हमारे डेंटिफ्राइसिस. अब हमारे पास जो डेंटिफ्राइसिस है इसमें हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कि कौन कौन से हम लोग केसेस है कि डेंटिफ्राइसिस हम यूज क्यों करते हैं, हमारा रीजन क्या है, हमारे कौन से ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में हम लोग जो डेंटिफ्राइसिस है उनका यूज करेंगे. डेंटिफ्राइसिस आर यूज इन फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट है हमारे पास क्लींजिंग ऑफ टूथ, टूथ को टीथ को हम लोग क्लीन करने के लिए यूज करते हैं. सेकंड है पॉलिशिंग ऑफ टूथ रूट, जो हमारे टूथ रूट है उनको पॉलिश करने के लिए डेंटिफ्राइसिस का यूज करेंगे. थर्ड है हमारे पास रिमूवल ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम टीथ, जो हमारे टीथ के ऊपर स्ट्रेन है दाग पड़ जाते हैं स्ट्रेन पड़ जाते हैं उनको हमारे टीथ में से रिमूव करने के लिए हम लोग जो प्रेपरेशन यूज करते हैं वो है हमारे डेंटिफ्राइसिस. फोर्थ है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके को कम करने के लिए, इन्फेक्शंस को कम करने के लिए, जहाँ जो पेन हो रहा है टूथ में उनको कम करने के लिए हम लोग जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट है डेंटिफ्राइसिस है उनका यूज करते हैं. फिफ्थ है रिडक्शन ऑफ माउथ ऑर्डर, जो माउथ में से बैड स्मेल आती है ऑर्डर आते हैं उसको कम करने के लिए हमें फ्रेश जो है फ्रेश हमारी ब्रीथिंग हो जो है माउथ में से फ्रेश और ड्राई उसके लिए फ्रेश जो है हम लोग फील करें उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेंटिफ्राइसिस का. ये हमारे पास 5 केसेस हैं जिनमें हम लोग डेंटिफ्राइसिस यूज करते हैं. फर्स्ट क्लींजिंग ऑफ टीथ, सेकंड है पॉलिशिंग ऑफ टीथ, टूथ रूट रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके, रिमूवल ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम टीथ एंड फिफ्थ है हमारे पास रिडक्शन ऑफ माउथ ऑर्डर. अब हमारे पास है क्वालिटीज की, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए डेंटिफ्राइसिस में. कि कौन कौन सी क्वालिटीज है जो एक डेंटिफ्राइसिस जो प्रेपरेशन है उनमें होनी चाहिए. फर्स्ट है हमारे पास जैसे क्वालिटीज में इट शुड बी इकोनॉमिकल, एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए. अगर ज़्यादा कॉस्टली होगा अगर डेंटिफ्राइसिस की प्रेपरेशन तो जो पर्सन है ह्यूमन बींग्स है वो परचेज नहीं कर पाएंगे जिससे क्या उनको टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और डिजीज हो सकती है उनको, इसलिए इट शुड बी इकोनॉमिकल. सेकंड है हमारा इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक प्रेपरेशन होनी चाहिए क्योंकि हम लोग माउथ के क्लीनिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं डेंटिफ्राइसिस को. इसमें हमारे पास टूथपेस्ट आ जाता है, टूथ पाउडर आ जाते हैं या फिर हमारे पास जो है लिक्विड प्रेपरेशंस आ जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये जो हमारे प्रेपरेशंस है ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए. अगर इसमें टॉक्सिसिटी होगी तो हमारे माउथ में जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे. इसलिए इसमें जो सेकेंड क्वालिटीज है वो क्या है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. थर्ड है इट शुड बी स्वीट इन टेस्ट, स्वीटनिंग टेस्ट होनी चाहिए. अगर ज़्यादा हम लोग जैसे एग्जांपल है कि नीम के हम लोग दातुन करते हैं, जो नीम के हम लोग
दातुन करते हैं वो क्या होती है, कड़वी होती है, ब्रिटल होती है टेस्ट में, इसलिए हम लोग उनका उसका जो कम यूज करते हैं। मेनली जो हम लोग कोलगेट पेप्सोडेंट है पेस्ट है जो उनका यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या स्वीट इन नेचर होता है, उसमें स्वीट नेचर होता है, इसको हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्रिटल प्रोडक्ट होगा प्रेपरेशन हमारी तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, इसलिए इसको हमें स्वीट इन टेस्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लेवर, ये इसमें जो हमारे पास फ्लेवरिंग जो एजेंट्स है वो भी इंक्लूड करेंगे, जैसे हम लोग पेपरमेंट ऑयल यूज करते हैं कि जो हमारे प्रेपरेशन है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लेवर आनी चाहिए, पेपरमेंट ऑयल सिनेमन ऑयल्स की अलग अलग जो फ्लेवर्स है वो होने चाहिए। जो हमारे पास डेंटिफ्राइजेज हैं उसको हम लोग जब यूज़ करेंगे उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो फ्रेश एंड क्लीन सेंसेशन प्रोड्यूस करें, जब हम लोग यूज़ करते हैं हमें ऐसा फील हो कि हम लोग फ्रेश जो सेंसेशन हमें फील होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका हम लोग इट शुड बी यूज टू क्लीन द टीथ, कि हम लोग ईजिली इनको जो टीथ है जो उसको ईजिली हम लोग क्लीन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वालिटीज हैं कि एक डेंटिफ्राइजेस की प्रेपरेशन बनाते टाइम हमें इन क्वालिटीज को हमारे माइंड में रखना है जो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, कि इससे हमारे जो भी प्रेपरेशन हैं इन क्वालिटीज से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेंटिफ्राइजेस में फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटिफ्राइजेस फॉलोइंग इनग्रीडियंट यूज, जिससे हमारी जो डेंटिफ्राइजेस है टूथपेस्ट है टूथ पाउडर है या लिक्विड प्रेपरेशंस है वो प्रिपेयर होती हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें जो है एब्रेसिव, इनको हम लोग जो यूज करते हैं इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव स्ट्रेन्स डेब्रिस स्ट्रेन्स विदाउट डैमेजिंग द सरफेस ऑफ टीथ। इनका मेन पर्पस क्या है, हम लोग इनको क्यों यूज करते हैं, कि जो हमारे टीथ के ऊपर स्ट्रेन्स है जो स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं टीथ के ऊपर, स्ट्रेन्स के ऊपर पड़ते हमारी जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, या हम लोग जो मेडिसिन है वो ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं कि उनके जो स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं, जैसे आयरन है आयरन की हम लोग प्रेपरेशन अगर यूज करते हैं तो उससे हमारे जो टीथ है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें स्ट्रेन्स पड़ जाते हैं। और उसके बाद है हमारे पास इनको स्ट्रेन्स को डैब्रिस है जो इनको रिमूव करने के लिए हम लोग फॉर्मुलेशन में एब्रेसिव का यूज करते हैं। ये जो एब्रेसिव है इनका हमारे जो टीथ की सरफेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमारे सरफेस है जो टीथ की उसको डैमेज नहीं करेंगे। इनका जो मेनली जो है ये क्लींजिंग पाउडर होते हैं, इनमें क्लींजिंग सॉरी पावर होती है जो डिपेंड करती है इनके जो प्रेसिव के इंग्रेडिएंट्स हैं जो है हमारे जो प्रेपरेशन में केमिकल्स हैं उनके ऊपर, कि उनका साइज क्या है शेप क्या है और उसकी हार्डनेस कितनी है, इनके ऊपर जो हमारे ब्रेसिव की क्लींजिंग जो पावर है वो डिपेंड करेगी। अब इसमें हमारे पास जो ब्रेसिव में एग्जांपल आ जाती है वो है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट,
कैल्शियम कार्बोनेट एंड सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लोग डेंटिफ्राइज के जो फॉर्मुलेशन में एज अ एब्रेसिव यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास है एग्जाम्पल बाइंडर, बाइंडर का मीनिंग किसी भी प्रोडक्ट्स को बाइंड करना। बाइंडर के कि प्रोडक्ट जो हमारे सॉलिड लिक्विड्स में जो प्रेपरेशंस हैं उनमें उनको बाइंड करके रखना हमारे जो प्रेपरेशंस में बाइंड पार्टिकल्स को। अब बाइंडर क्या है, बाइंडर हमारे पास हम लोग यूज टू कीप द सॉलिड एंड जो लिक्विड और सॉलिड हमारे पास फॉर्मुलेशंस है यूनाइटेड फॉर्म्स है उनको मेंटेन करने के लिए और उनकी जो कंसिस्टेंसी है उनको बनाए रखने के लिए, उनको जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बाइंडर्स का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग बाइंडर्स का यूज़ नहीं करते तो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पेस्ट नहीं बनती। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम लोग कोई भी फूड में अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि हम लोग कोई भी घर में कोई फूड मटेरियल बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो है बाइंडर यूज़ करते हैं, या तो हम लोग ब्रेड का जो है क्रम जो ब्रेड्स हैं उसको यूज़ करेंगे या फिर हम लोग जो अलारोट है उसको यूज़ करते हैं प्रेपरेशंस को बनाते टाइम। वो अलारोट या फिर हमारे ब्रेड्स के क्रम्स जो है वो क्या करते हैं उस जो प्रेपरेशन है उसको बाइंड कर देते हैं, उनको बाइंडर की फॉर्म में यूज़ करेंगे, बाइंड कर देंगे जिससे हमारे जो प्रेपरेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन जो हमारी प्रेपरेशन है उसकी एग्जैक्ट शेप आएगी, नहीं तो वो हमारे जो फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी। ऐसे यहाँ पर बाइंडर्स हैं, बाइंडर के हमारे जो सॉलिड और लिक्विड है हमारे मटेरियल्स हैं इंग्रेडिएंट्स हैं सॉलिड और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, उनकी उनको मेंटेन करने के लिए उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल बाइंडर की गम ट्रैकागन एंड सेकेंड है सोडियम एल्जिनेट एंड थर्ड है हमारे पास जो दो एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एग्जाम्पल गम ट्रैकागन एंड सेकेंड है सोडियम एल्जिनेट। हमने लास्ट जो जेलीज पोजिट्रीज वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम एल्जिनेट हम लोग यूज करते हैं प्रेपरेशंस में। ऐसे हमारे पास जो बाइंडर है डेंटिफ्राइज की फॉर्म में हम लोग जो बाइंडर यूज करते हैं वो मेन है हमारा गम ट्रैकागन। गम ट्रैकागन हम मेनली यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इट मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड नॉट चेंज द पीएच ऑफ द प्रेपरेशन। एक तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेगा हमारी प्रेपरेशन की और इसको हम लोग जब यूज करेंगे उसका हमारे जो प्रेपरेशन की पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे जो प्रेपरेशन की पीएच है हमारे जो फॉर्मुलेशन की जो पीएच है वो ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगी। जो हम गम ट्रैकागन की कंसेंट्रेशन यूज करेंगे वो है 1 to 2.5% 1 to 2.5% हम लोग कंसेंट्रेशन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कि गम है तो गम का क्या मीनिंग है, हमारा जो एज अ बाइंडर हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉर्मुलेशन में हम लोग एजेंट्स यूज करते हैं वो है डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का नाम से शो हो रहा है कि डिटर्जेंट का मीन नाम है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सरफेस को एक्टिव एजेंट है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, ये क्या करता है हमारे क्लीनिंग करने का काम करेगा। डिटर्जेंट एंड डिटर्जेंट्स क्या है, दीज आर द सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स है, हम लोग इसको यूज करते हैं यूज टू इनहांस द एक्शन ऑफ एब्रेसिव्स।
अब ऐसे उसके एक्शन को इन्हांस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट शुड बी टेस्टलेस होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे, नॉन इरिटेंट होंगे। जो अगर हम लोग जो डिटर्जेंट्स हैं, इसका मीनिंग ये नहीं कि हम लोग जो घरों में डिटर्जेंट है वो यूज़ करेंगे। जो डिटर्जेंट इसमें हम लोग डेंटिफ्राइसिस में यूज़ करते हैं वो क्या, एक तो टेस्टलेस होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे, नॉन इरिटेंट होंगे। टू ओरल म्यूकोसा, जो हमारे ओरल म्यूकस के लिए ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट और टेस्टलेस होंगे। इनमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसमें गुड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे आप लोग, हम सुबह पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते तो उसमें से फोम बनती है, झाग बनती है। वो फोमिंग फोम कैसे बनती है, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं। वो डिटर्जेंट क्या करते हैं, फोम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें गुड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो नॉन टॉक्सिक है और टेस्टलेस है, नॉन इरिटेंट है हमारे ओरल म्यूकस के लिए, जो हमारा ओरल सिस्टम है उसके लिए। और ये हमारे जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, इन्हांस करेंगे हमारे एक्शन ऑफ एब्रेशंस को। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है सोडियम लोराइड सल्फाइड। इसमें एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड सल्फाइड, सल्फाइड जिसका हम लोग यूज करते हैं एज अ डिटर्जेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो हमारे फॉर्मुलेशन में एजेंट्स यूज होते हैं वो है फ्लेवरिंग एजेंट। जैसे नाम से इंडिकेट है कि फ्लेवरिंग है, तो ये हमारे पेस्ट में हमारे जो पाउडर्स है उसमें फ्लेवर देने के लिए हम लोग यूज करेंगे इनका। फॉर्मुलेशंस में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स फ्लेवर देने के लिए, जैसे इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं पेपरमेंट ऑयल है, सिनेमन ऑयल है, ये हमारे के फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो हम लोग पेस्ट में यूज करते हैं। जब हम लोग पेस्ट जो यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास जो एक फ्लेवर आता है, फ्रेगनेंस आती है, फ्लेवर आता है, वो फ्लेवर कैसा होता है, जैसे सिनेमन का फ्लेवर होगा या पेपरमेंट ऑयल का, इसको हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं कि हमारे जो पेस्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है जो उनकी ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेस्ट में डेंटिफ्राइसिस में प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। इसमें हमारे पास जो प्रिजर्वेटिव है इसमें हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एजेंट्स यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के बाद हम लोग यूज करेंगे ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट से यूज करेंगे, ह्यूमेक्टेंट का यूज क्या है कि हमारे जो प्रेपरेशन है, हमारे जो पेस्ट है, डेंटिफ्राइसिस है, उनमें मॉइस्चर को रिटेन रखना, कि उनको हमें ड्राई नहीं होने देना। यूज टू रिटेन द मॉइस्चर, नॉट अलाउड टू पेस्ट टू बिकम ड्राई। अगर ड्राई पेस्ट हो जाएगी तो हमारा जो है पेस्ट वो खराब हो जाता है,
उसमें मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स का। ये जो हमारे हेल्प क्या करते हैं, हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। ये जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करते हैं फॉर्मुलेशन बनाते टाइम, उनको मिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या है, इसका मेन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं, वो है स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट में हम लोग सैक्रीन का यूज करते हैं। इसमें हम लोग जो इसकी कंसेंट्रेशन यूज करेंगे 0.0005 to 0.25%, इसका हम लोग यूज करेंगे कि हमारे जो पेस्ट है उसमें स्वीट टेस्ट आ जाए। नेक्स्ट है थेरापेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट हमारा थेरापेटिक एजेंट्स। थेरापेटिक एजेंट्स का मीनिंग क्या है कि जो हम लोग इसमें इंक्लूडेड करते हैं ओनली मेडिकेटेड टूथपेस्ट। इसमें हम लोग सिर्फ जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है उनको ही इंक्लूड करेंगे। जैसे एग्जांपल सेंसोडाइन, जो हमारे जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि डेंटल जो डिजीज है उसको, या फिर जो रिमूव स्मेल को रिमूव करने के लिए, या जो टूथ में पेन हो रही है सेंसिटिविटी है उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं वो है थेरापेटिक एजेंट्स। इसमें सिर्फ जो हमारे पेस्ट आ जाते हैं वो मेडिकेटेड जो पेस्ट है वो भी इंक्लूडेड होंगी। ये था हमारा फॉर्मुलेशन में जो हम लोग एजेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें मेथड ऑफ प्रेपरेशन कि हम लोग जो डेंटिफ्राइज है उसको प्रिपेयर कैसे करें। हम लोग जो डेंटिफ्राइजेस है उसको किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो डेंटिफ्राइजेस उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसमें जो बिग हमारे पास मिक्सिंग टैंक होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, इसमें फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है सॉलिड इंग्रेडिएंट्स उनका हम लोग वे करेंगे। वे करने के बाद उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स कर देंगे। पहले वे करेंगे फिर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको मिक्स करेंगे और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्रेपरेशंस हैं उनमें जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या हमारे जो स्प्रेज है जो हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज करते हैं वो यूज करेंगे। उनको मिक्सिंग के टाइम उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे हमारे सॉलिड मटेरियल्स में। अब ये हमारे पास जो मिक्सचर है, ये हमारे जो सॉलिड मटेरियल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बन गया, उसमें हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट भी स्प्रे कर दिया, तो उसके बाद ये हम लोग किस में करेंगे, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में। जो हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनाने के लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे बाइंडर्स एंड ह्यूमेक्टेंट्स को। फिर जो हमारे बाइंडर्स हैं और ह्यूमेक्टेंट्स हैं उनको हम लोग मिक्स करेंगे कि उनमें मॉइस्चर जो है वो बना रहे, और बाइंडर्स क्या है जो सॉलिड और हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हमने वे किए थे वो मिक्स हो जाए, बाइंड हो जाए। अब जो हमारे पास ह्यूमेक्टेंट्स हैं या बाइंडर्स हैं जब उनको हम लोग मिक्स करेंगे इस डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड, ये हम लोग लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स करेंगे।
पहले हमने सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स किया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स किया, फिर उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स का हमने स्प्रे कर दिया। उसके बाद जो स्टेनलेस स्टील है, स्टील के जो हमारे कंटेनर्स हैं वो हम लोग यूज़ करते पेस्ट बनाने के लिए, उसमें हम लोगों ने क्या मिक्स कर दिया, बाइंडर और ह्यूमेक्टेंट इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में हमने इसको जो है मिक्स कर दिया। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम लोग जो सैक्रिन का यूज करेंगे एंड प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे, प्रिजर्वेटिव और सैक्रिन का यूज करेंगे। जैसे जो सैक्रिन का यूज हम लोग करते थे स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए, सैक्रिन का यूज होगा और प्रिजर्वेटिव फिर हम लोग डालेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, होमोजीनियस जेल, हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा होमोजीनियस जेल का, जिसमें सॉलिड भी हमने ऐड कर दिया, लिक्विड भी ऐड कर दिया, स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड कर दिया एंड प्रिजर्वेटिव जो है वो भी ऐड कर दिए। अब हमारे पास एक होमोजीनियस जेल बन जाएगी। ये जो जेल है होमोजीनियस हमारी जेल है वो किस में बनेगी, एक टैंक में, क्योंकि हमने इसको स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया था। अब उसमें हम लोग स्लोली स्लोली हमारा एक जो रह गया वो है एब्रेसिव, स्लोली स्लोली हम लोग उसमें एब्रेसिव्स हैं जो वो ऐड करेंगे। जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम जो फॉस्फेट हमारे एब्रेसिव्स हैं उनको धीरे धीरे उसमें ऐड करेंगे। जब धीरे धीरे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या एक स्मूथ और यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाएगा। जब ये पेस्ट हमारा स्मूथ और यूनिफॉर्म पेस्ट पर प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स फिर से ऐड कर देंगे और इनको हम लोग जो है हमारा जो पेस्ट है उसको हम लोग पैक कर देंगे कोलेप्सिबल ट्यूब्स में। अब कोलेप्सिबल ट्यूब्स कौन से होते हैं, जिन ट्यूब्स में हमारे पास पेस्ट आती है, जो टूथब्रश पे हम लोग लगाते कर करके लगा के करते हैं पेस्ट, वो हमारे कोलेप्सिबल ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स में हम लोग इनको जो है पैक कर देंगे। ये था हमारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन। अब हमारे पास है जैसे इसमें एग्जांपल्स है मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बाद कि हम लोग जो है टूथ पेस्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, टूथ पेस्ट है जो उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर करना है। हमने टूथ पेस्ट के लिए क्या लेना है, एक डाइकैल्शियम फॉस्फेट लेंगे, ग्लिसरीन लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे उसमें हम लोग, और जो गम ट्रैका कहता है, गम ट्रैका कहता है मैं बाइंडर उसमें यूज करेंगे, सैक्रीन एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड सल्फेट हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम लोग वाटर यूज करते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करेंगे। अब इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हम लोग टूथपेस्ट बनाएंगे कैसे, हम लोग पहले मिक्स करेंगे जो ग्लिसरीन है उसको ले लेंगे, मिक्स ग्लिसरीन एंड वाटर, इन सब में हम लोग ग्लिसरीन एंड वाटर मिक्स करेंगे। अब क्या हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड सॉलिड सब्सटेंस, ग्लिसरीन और वाटर है उसमें मिक्स कर दिया ग्लिसरीन और वाटर को, उनमें हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, फिर प्रॉपरली हम लोग स्टीयरिंग करते रहेंगे। स्टीयरिंग करने के बाद हम लोग उनमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे एंड इनको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ऐड करने के बाद फिर मिक्स करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे हमारे जो कंटेनर्स है उनमें, देन इनको हम लोग स्टोर कर देंगे। इस मेथड से हम लोग जो टूथपेस्ट उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो हमारा डेंटिफ्राइसिस का टॉपिक है ये यहीं पर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेस प्रेपरेशन हैं, जो फेशियल प्रेपरेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।